रिपोर्ट। नगरी निकाय चुनाव के पूर्व रात्रि स्थानीय वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी के द्वारा मतदाताओं को बांटने के लिए रखे गए 7 नग शराब की बोतल को जब्त किया गया। ज्ञात हो कि उक्त वार्ड के प्रत्याशी द्वारा शराब की बोतल को स्कूटी की डिग्गी में रखकर बांटा जा रहा था। नगरी निकाय चुनाव के पूर्व रात्रि स्थानीय वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी के द्वारा मतदाताओं को बांटने के लिए रखे गए 7 नग शराब की बोतल को जब्त किया गया। आपको बता दें कि उक्त वार्ड के प्रत्याशी द्वारा शराब की बोतल को स्कूटी की डिक्की में रखकर बांटा जा रहा था। इसकी शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन से किए जाने पर नायब तहसीलदार कुसुम प्रधान और पुलिस विभाग द्वारा स्कूटी की डिक्की में रखे शराब की बोतल और चखना को जब्त किया गया। इससे पूर्व शुक्रवार के सुबह ही वार्ड नंबर 8 में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा बांटे जा रहे 26 नग साड़ी को जब्त किया गया है। मामला कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के स्कूटी से दारू और चखना होते हैं, जैसे पनीर का चखना, ये सब पकड़ाया है। जब्ती हमारे जो प्रभारी है, वार्ड प्रभारी विनोद राजपूत ने, उसने जब्ती किए हैं। कौन सा वार्ड है और क्या नाम है? वार्ड नंबर 11 है और उनका प्रत्याशी का रिकी राम यादव नाम है, है ना। और ये तो समझिए भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि दारू साड़ी मटन मुर्गा हर वार्ड में पहुंच रहा है। क्यों प्रशासन शासन है, प्रशासन चुप बैठी में समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन कार्रवाई कर रही है अपने स्तर पे, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं के पक्ष में। क्योंकि भाई देखिए, अगर पुलिस अगर प्रशासन मुस्तैद है तो कहीं भी इतना नहीं होगा कि एक छोटा सा नगरी निकाय चुनाव है या आपसी प्यार मोहब्बत से हम रहते, छोटे से इसमें पूरा मतभेद आ रहा है, पूरा माहौल खराब हो रहा है। गरियाबंद से लतीफ मोहम्मद की रिपोर्ट, ACN 24।